चुनावी सफर में विपक्षी पार्टियों के नेताओं, उनके रिश्तेदारों और दोस्तों पर शिकंजा कसना आम बात है। प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री के बाद से ही उनके पति रॉबर्ट वाड्रा कुछ इसी तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ चल रहे पुराने मामलों की जांच में अचानक तेजी आ गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। वह इस मामले में वाड्रा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के तीखे सवालों का सामना कर रहे रॉबर्ट वाड्रा ने पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, जिस पर आज प्रवर्तन निदेशालय ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। लेकिन ये जवाब वाड्रा पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे, वो उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहता है, लिहाजा उन्हें अग्रिम जमानत ना दी जाए। जिस पर कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अंतरिम जमानत अवधि 25 मार्च तक बढ़ा दी है। अब अदालत 25 मार्च को अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि वैसे तो जांच एजेंसियां पहले भी कई बार वाड्रा से पूछताछ कर चुकी हैं, मगर जब से प्रियंका गांधी ने सक्रिय राजनीति में एंट्री की है, वाड्रा पर शिकंजा और कस गया है। बीते महीने ही प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा से करीब 8 से 9 बार कई घंटों तक पूछताछ की थी, जिसे तमाम दलों ने राजनीतिक साजिश करार दिया था। आरोप लगे थे कि प्रियंका के कांग्रेस में एंट्री का बदला लेने के लिए ही मोदी सरकार ऐसी राजनीति कर रही है। गौरतलब है कि ये मामला विदेश में अवैध संपत्ति की खरीद से जुड़ा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।